हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज होली और सबसे पहले आपको सबको होली की बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह होली के ये रंग कलरफुल होते हैं, इस तरह आपकी ज़िंदगी भी कलरफुल हो जाए, यही मेरी आपसे शुभकामनाएं। आज हम पहुँचे हैं एक जिम कोर्ट के अंदर छोटे से रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट हमारे पीछे जो आप देख रहे होगा ये इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ है, पूरा का पूरा जिम कोऑर्डिनेशन पार्क का कोऑर्डिनेशन पार्क। यह है अपनी गाड़ी के साथ में, और ये हमारे साथ में रिजॉर्ट। कुछ लोग यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं, और ये बने हैं यहाँ पे हट्स। बहुत ही अच्छी लोकेशन है इसकी, क्योंकि दोनों तरफ है इसके जिम कोऑर्डिनेशन पार्क, और नीचे बहरी नदी। और आज हम खेलेंगे यहाँ पे होली, हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं, और हम जाएंगे आज होली खेलने के लिए नदी में, क्योंकि नदी और जिम कोऑर्डिनेशन पार्क के अंदर जो बहरी है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और लोग आए हुए यहाँ से बाहर से भी, देखिए आप देख रहे हो हट के अंदर बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं, कुछ में से कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। नदी में जाने का रास्ता, और ये देखिए यहाँ सामने हमारी नदी, ये है राम गंगा। और अक्सर यहाँ पे एनिमल्स आते हैं, और यहाँ पे नहाने के लिए लोग यहाँ पे नहाने भी जाते हैं। आपको टेबल चेयर भी दिखी होगी यहाँ पे, वो लकड़ी के कुछ गट रखे हुए हैं। और ये सामने पूरा पार्क जिम कोऑर्डिनेशन पार्क, अक्सर यहाँ पर टाइगर और डियर वगैरह तो अक्सर आते रहते हैं। और ये देखो कितना आगे निकाल के इन्होंने बना रहे हैं व्यू पॉइंट। होली मनाने के लिए नदी में जाएंगे, कुछ खेलेंगे, और फिर हम कुछ लंच भी करेंगे। हमारे सामने नहा के आ गए हम वापस, और हमारे सामने है ये रिजॉर्ट, जहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और यहाँ पे व्यू पॉइंट जगह जगह व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, कुछ यहाँ पे कॉटेजेस भी हैं, और वुडन कॉटेजेस हैं, कुछ मड हाउसेज भी हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आके नहा के वापस आ गए हैं। ये सामने आपको कुछ गाड़ी ऊपर ढेर कपड़े रखे हमें सुखाने के लिए, और ये यहाँ पर ग्रीनरीज, ये बैडमिंटन कोर्ट, सामने क्रिकेट के विकेट्स, और कुछ लोग ऊपर वो बैठे हैं वहाँ पर लंच करने के लिए। और हमारा लंच अभी तैयार हुआ नहीं है, थोड़े पेट में चूहे कूदने लगे हैं, देखते हैं कब तक हमें लंच मिलता है। और तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए पीएम ब्लॉग्स एंड नॉलेज। यहाँ पर झूले, और यह है यहाँ पर डिनर के लिए और लंच के लिए, ब्रेकफास्ट कुछ भी करो यहाँ पे बना हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट जहाँ हम डिनर वगैरह कर सकते हैं। और सामने हमारे फ्रेंड्स, यहाँ टीवी लगी हुई साथ देखने के लिए, समझ रहा है। ये भी एक कॉटेज है, और सामने है इनका किचन, पूरा पूरा ग्रीनरी है, और जिम कोर्ट के अंदर जो है ये ग्रीन एरिया बहुत अच्छा लगता है। आइए देखिए और यहाँ के मज़े लीजिए। जिम कोऑर्डिनेशन पार्क उत्तराखंड में है, जिसका 90% एरिया पौड़ी गढ़वाल में और 10% एरिया रामनगर में है, नैनीताल में है। लोग दूर दूर से आते हैं एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे बहुत मज़े करते हैं, और हम भी आए हैं आज एंजॉय करने के लिए इस कॉटेज के अंदर। और ये दो दोस्त हमारे आ रहे हैं ऊपर से। कोर्ट की खासियत ये है कि जगह जगह आम के पेड़ हैं, अगर आप कभी आएंगे गर्मी मौसम में तो आपको जगह जगह जो है आम मिलेंगे, एकदम ताज़े ताज़े और एकदम मस्त मस्त आम मिलेंगे। और जगह जगह कॉटेज बनी हुई हैं, पूरी की पूरी नेचुरल कॉटेज है, बहुत ही अच्छा है। फ्लावर लगे हुए हैं, लेमन ग्रास लगी हुई है, अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन आम के पेड़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और बैठने की पूरी व्यवस्था है, एंजॉयमेंट की पूरी व्यवस्था है, और लोग अक्सर आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आ गया हमारा पसंदीदा भोजन मटन, आ गई मच्छी और मटन, ये फ्रेंड्स, और ये टिंकू भाई, इनकी व्यवस्था सारी सारी। और तैयार हमारा लंच, मटन, चावल, फिश, और सब लोग खा रहे हैं साथ में। हमने खाना खा लिया है, पूरा हमने होली एंजॉय किया है। ये हमारी गाड़ी पीछे साथी हैं, वो जो गाड़ी में बैठने वाले हैं, और ये हमारे पीछे रिजॉर्ट है, और सब लोग की अब अफरा तफरी मच गई है बैठने के लिए, और बहुत एंजॉय किया हमने आज होली के लिए। और चलते हैं हम अगले नेक्स्ट पड़ाव की ओर। दिया है, और हमारे कपड़े सूखे हुए ये पीछे मेरे पड़े हुए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और भरते हैं उड़ान, और चल दी है गाड़ी झोंगा मार दी, गाड़ी हिचकोले खा रही है भाई, कितनी हिचकोले खा रही है। पहुंच गए हम एकदम मेन रोड पे, और दूसरी टीम हमारी होने वाली यहाँ से अलग, ये खड़े भाई अलग रास्ते जाने के लिए। बाय 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 बाय। देर चलने के बाद हम पहुंचे जो है मरचूला, मरचूला से रोड बाई तरफ जा रही है रानी खेत की ओर, और इसी दी जा रही है धोमलपुर रामनगर कोटद्वार, ये दाई ओर मरचूला रिजॉर्ट का शहर, और साथ चली है रामनगर। आ गया है मरचूला, यहाँ पे आगे डाइवर्जन है, ये सीधे चलाया रामनगर, और राइट को साइड में चलाइए धूमकोट कोटद्वार की तरफ, हम बोलते हैं कोटद्वार।
और फाइनली बहुत दूर चलने के बाद पहुंच गए हम छोटी सी जगह अपने रूम के पास में, हमारी एंट्री रूम में। आज चलते हैं रूम के अंदर, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।